रूस और पाकिस्तान की करीबी लगातार बढ़ती जा रही है। रूस की सेना का एक दस्ता गुरुवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान और रूस की सेना के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को ड्रज़बा नाम दिया गया है। पाकिस्तान की सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान की सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और रूस के बीच यह पांचवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये संयुक्त अभ्यास 2 सप्ताह तक चलेगा। बयान में कहा गया है, इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के दोनों देशों की सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में स्काई डाइविंग और बंधकों को छुड़ाने जैसी गतिविधियां होगी। पाकिस्तान रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ड्रज़बा हर साल आयोजित किया जाता है। साल 2016 से ही पाकिस्तान और रूस की सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती रही है। इसमें आतंकवाद विरोधी और विशेष सैन्य ऑपरेशन भी शामिल है। हालांकि रूस की पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी को लेकर भारत विरोध दर्ज कराता रहता है। भारत ने रूस के सामने कई बार आपत्ति जाहिर की है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग करना गलत है और इससे समस्याएं और बढ़ेगी। हालांकि रूस भारत की इस आपत्ति को अनसुना करता रहा है। इसी साल सितंबर महीने में पाकिस्तान की सेना ने रूस के शहर अस्तराखाना में काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। पिछले साल रूसी सैन्य अभ्यास सेंटर 2019 में भी पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। इस सैन्य अभ्यास में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हुए थे। शीत युद्ध के समय पाकिस्तान रूस के विरोधी गुट यानी अमेरिका के साथ था। हालांकि नए वैश्विक क्रम में दोनों के बीच करीबी बढ़ी है, जो कि भारत के लिए चिंताजनक है। पाकिस्तान और रूस के बीच सैन्य साझेदारी भी लगातार मजबूत हो रही है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।